नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो विदिशा और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। देश के पूर्व मुख्यमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज राजीव इंदिरा उद्यान में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी सहित पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। सभी ने राजीव गांधी द्वारा देश के लिए किए गए संचार क्रांति के बारे में जानकारी देने के साथ ही देश के युवाओं को मौका देने के संबंध में अपनी बात रखी, उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। सुखी जयंती और क्या निर्णय लिया है यहाँ? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और उस समय पूरे जिला कांग्रेस कमेटी ने ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि अर्पित करने का रखा है। सभी भारी संख्या में से लोग आए हुए हैं, सबने श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी के राष्ट्र की एकता, अखंडता, सद्भावना, सर्वधर्म संभाव और नौजवानों के लिए राष्ट्र की प्रगति के लिए किए गए कामों को याद किया और जो आधुनिक भारत की कल्पना राजीव गांधी के मन में थी उसका सबने उल्लेख किया, सबने सराहना करी और ये भी व्यक्त करी कि वो चाहते थे कि देश का नौजवान आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा हासिल करे और युवा शक्ति पर उन्हें भरोसा था, इसलिए युवाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना चाहिए, युवाओं को शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं की महती भूमिका के लिए जो राजीव गांधी ने कार्यक्रम तैयार किए थे वो आगे बढ़ें, ये हम सबके हृदय की इच्छा है। बहुत धन्यवाद। साथ ही पोलिंग बूथ पर कांग्रेस मजबूत हो, हर पोलिंग बूथ पर ऐसे हमारे 10-10, 15-15 राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हमने एक कार्यक्रम रखा था जहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हमारा सोच था कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं और राजीव गांधी जी जैसे हमारे प्रतिभाशाली जो नेता थे जो हमारे बीच में नहीं रहे थे, हम उनको याद कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, युवाओं के लिए यही सोच थी और उसी को आज हमने अनुसरण किया है और उनकी पुण्यतिथि पर आज हमने संकल्प लिया है तो उनके बताए रास्ते पर हम चलें।